सो हे गाइस, क्या हालचाल। आज ना हम लोग करने वाले हैं डिजिटल पेंटिंग, क्योंकि एक्सपी पेन ने हमें भेजा है एक ड्राइंग टैबलेट जो कि है डेको MW पेन टैबलेट, और इसमें हमें मिलता है ब्लूटूथ का फीचर जिससे हम लोग इस टैबलेट को वायरलेस भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, ये ना काफी बिगनर फ्रेंडली टैबलेट है, तो चलो फटाफट इसे खोलते हैं और इसके एसेसरीज को देखते हैं। ओके, सो ये देखो, ये है टैबलेट। काफी सिंपल क्लासिक लुक है और इसमें 8 अलग अलग शॉर्टकट कीज दिया हुआ है। और ये देखो, ये पेन है, इसमें भी 2 बटन दिया हुआ है यहाँ पे, लाइक पेन यूज़ करना है, इरेजर यूज़ करना है, तो यहाँ से क्विक स्विच कर सकते हैं हम लोग। और बाकी इसमें ब्लूटूथ दिया हुआ है, बट फिर भी अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहो तो आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और केबल से जब आप कनेक्ट करोगे तो आपका टैब चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये है रिसीवर ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, ये लगाओगे तो आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और ये कुछ कन्वर्टर है, ये अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो उसमें काम आएगा। और ये एक्स्ट्रा निब्स है, और ये निब निकालने का है, ठीक है। सो गाइस, डब्बे में यही सब कुछ था। और पता है, इस टैब को आप अपने लैपटॉप से, पीसी से, और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में करके दिखाऊंगा। और अभी चलते हैं, पीसी से कनेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये छोटा वाला रिसीवर लेना है जो काला सा होगा, इसको आपको सीपीयू के ऊपर या फिर पीछे जहाँ पे भी आपका जगह हो वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे मैं लगा दिया। इसके बाद ना आपके टैबलेट के साइड में एक छोटा सा बटन होगा यहाँ पे, ये देखो, इसको ना आपको 2-3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। सो ये देखो, यहाँ पे एक ब्लू लाइट जल जाएगा, यानी कि टैबलेट कनेक्ट हो चुका है आपका। और सबसे पहले आप मेक श्योर कि आप इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लेना। देखो, इसका ड्राइवर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना पेन का सेटिंग चेंज कर सकते हो, प्रेसर सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो, बाकी शॉर्टकट कीज़, जो देखो यहाँ टैब के साइड में शॉर्टकट कीज़ है ना 8, वो तो इसको आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेसर सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहा हूँ पेन का। तो देखो, पहले मैं बहुत हल्के से पेन चलाया हूँ, और फिर क्या करूँगा, धीरे धीरे हल्का सा ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा। तो आप देख ही पा रहे होंगे कैसे कैसे ये डार्क होता जा रहा है, यानी कि ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक कॉम्पोजिशन क्रिएट किया हूँ। क्रिश जी हैं, वो जंगल में फ्लूट बजा रहे हैं, और जंगल के जो जानवर लोग हैं वो आसपास आके इनका फ्लूट सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे बहुत ही कलरफुल करने का कोशिश करूँगा, एकदम एनिमेटेड वाले स्टाइल में। ओके, सो एंजॉय द वीडियो। और इस टैब पे अगर आप ड्राइंग करोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप डिजिटल ड्राइंग कर रहे हो, एकदम जैसे कि आप पेंसिल यूज़ करते हो पेपर के ऊपर, सेम वैसा ही फील आता है। तो देखो, मैं यहाँ पे पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, और ये जंगल का सीन है, तो मैं पूरा हरा भरा बनाऊंगा और फूल वगैरह भी दूंगा। और पहले एक लाइट एंड शेड का पता चल जाए, तब जाके मैं कैरेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि उसी के हिसाब से कैरेक्टर पे लाइट एंड शेड पड़ेगा, ठीक है। इस पेंटिंग में ना दिन का टाइम है, तो फोकस सारी जगह पे एक जैसा जा रहा है, बट मुझे मेन फोकस क्रिश जी के ऊपर रखना है, तो मैं सोचा हूँ जो सनलाइट का रेस होता है ना, वो क्रिश जी के ऊपर डालूं तो अच्छा लगेगा। बट ये लास्ट का काम है, रेस तो हम लोग लास्ट में ऊपर से भी डाल सकते हैं। और बाकी का ये पीकॉक देखो, इसको मैं सोचा हूँ एकदम मस्त कलरफुल बना देना है, अच्छा दिखेगा। मैं पर्पल और ब्लू चूज किया हूँ, और येलो से डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे। और यहाँ नीचे के साइड में 2 क्यूट सा रैबिट ऐड किया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी पत्ते वगैरह से भर देना है, जितना हरियाली दिखा पाएं, वैसे भी जंगल का ही सीन है ना। मैं कहीं कहीं पे ये लटकता हुआ स्टेम वगैरह बना दिया हूँ, जिससे कि और ज़्यादा गहरा जंगल वाला फील आएगा। तो गाइस, सो पेंटिंग हो चुका है कंप्लीट, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बनाने में, बट मज़ा भी बहुत आया। तो चलो अभी देखो इसका फाइनल लुक, और बताओ कैसा है। ऐसे पेंटिंग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला था, मैं इस टैब को फोन से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, तो इसमें आपको कन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है वाइट कलर का। तो इसमें 2 तरह का दिया हुआ है, आपके फ़ोन में जैसा चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, आपको वो वाला कन्वर्टर ले लेना है, और उसको आपको चार्जिंग पॉइंट में लगा देना है। देखो, ऐसे लगा देना है, हो गया। अब इसका आउटपुट USB वाला हो गया। अब इसमें आपको ये वाला रिसीवर लगा देना है, देखो, ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है। और फिर आप टैब अपना ऑन कर लेना 3 सेकंड बटन दाब के, ठीक है। अब देखो, मैं इसके ऊपर पेन चलाऊंगा ना, तो देखो यहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा आपको। बस सिंपल, आपका टैब कनेक्ट हो चुका है। तो आप अपने फ़ोन में कोई ड्राइंग वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, जैसे कि अभी मोस्ट पॉपुलर इबिस प्रिंट एक्स नाम से एक ऐप है, ठीक है। मैं अभी ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे कुछ चला रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ड्राइंग बन रहा है ना। देखो, काफ़ी स्मूथ है, कोई भी लैग नहीं दिख रहा है, मैं एक सिंपल सा घर बना रहा हूँ। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये ड्राइंग टैबलेट? अगर आप मेरा रिव्यू पूछो ना, तो अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो, डिजिटल ड्राइंग करना चाहते हो,
तो ये बहुत सही है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है, बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। और गाइस मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट है, अगर आप ये टैब खरीदते हो और मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि है RNXP, ठीक है, तो आपको मिलेगा 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और ये कोड 3 महीने तक ही वैलिड है, तो अगर आपको ये खरीदना है तो आपको थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एक और बार पेंटिंग देख लो और बताओ कमेंट में कि कैसा बना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।